हेलो दोस्तों, सभी को मेरा प्यार भरा प्रणाम। मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल प्रियंका भंडारी व्लॉग में। तो आज जैसे कि है हरेला पर्व, तो पूरे उत्तराखंड में हरेला पर्व धूमधाम से मनाया गया है। तो सबसे पहले तो आप सभी को हरेला पर्व की हार्दिक शुभकामनाएँ। और तो हरेला पर्व जैसे कि आप पूरे उत्तराखंड में मनाया गया है धूमधाम के साथ, तो आप लोगों ने भी अपने अपने घरों में हरेले पर्व को अच्छे से मनाया होगा। हमने भी मना लिया है। और ज़्यादातर हमारे जहाँ हम रहते हैं उस समय जगह में हरेला तो बोया नहीं जाता है, वहाँ ऐसा प्रचलन नहीं है कि हरेले को बोया करके। तो अपने अपने अपनी जगह की अपनी अपनी रीत होती है। तो वहाँ ये रिवाज है कि सुबह उठ के नहा धो के हम पूजा वूजा करके उसके बाद खेतों में जाके जो मेल का पेड़ होता है उसकी टहनी तोड़ के खेतों में बोया जाता है, तो उसी को हरेला बोना कहते हैं। तो आप लोग बताना कि आपके यहाँ क्या किया जाता है। तो मैं भी सुबह उठी और उसके बाद नहा धोने के बाद मैं खेतों में जाके हरेला बो के आई। उसके बाद हम अड्डा आए तो अड्डा मम्मी आई थी, अड्डा हमारे लिए मम्मी लेके आई थी हरेला, ये देखिए। तो मम्मी हरेला लेके आए थे और त्यौहार बना के लाए थे। जैसे आप लोगों को पता ही है मायके से त्यौहार हर लड़की के यहाँ जाता ही जाता है, तो मम्मी भी मेरे लिए त्यौहार बना के लाई थी। तो हम लोगों ने खाना पीना किया और मैं मम्मी को पहुँचा के जस्ट अभी पहुँची हूँ। तो अभी बच्चे सोए हैं, तो मैंने एक कहते हैं कि हरेले के दिन लगाया हुआ पौधा लग जाता है करके, तो मैंने भी गमले में फूल बोया और देखते हैं वो लगता है नहीं लगता है, वो दिया है मैंने। तो उसके बाद अब झाड़ू पोछा खाना आना करने के बाद बच्चे को सुला के सुला दिया है। और अब मैं आगे का काम कंटिन्यू करती हूँ। तो अब इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। तो आप सभी को एक बार फिर से हरेला पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं। और हाँ, कमेंट में करके ज़रूर बताना कि आपके यहाँ हरेला पर्व के लिए क्या क्या किया जाता है। तब तक के लिए बाय बाय, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय।